आठ करोड़ सवाल ही नहीं पैदा होता, इनके पास तो एक सिंगल बंद बंदे का भी रिकॉर्ड नहीं। चलिए अगर मैं एक करोड़ का ऐलान किया, मेरे कानूनी वारसान जहां मौजूद है जनाब शहीद साहब, जनाब अबू रसल चौधरी तशरीफ लाए हैं, अगर मैं मर भी गया तो मैं आपको एक करोड़ का दूंगा। आप आठ करोड़ नहीं, चार करोड़ साबित कर दूंगा, दो करोड़ कर दूंगा, एक करोड़ कर दूंगा, पचास लाख कर दूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हमें जब हुजूर मिला तो उसके बाद क्या हुआ, कादिर जमात को होश आई। मैंने उस मजमून में लिखा कि अपनी रफ्तार को रोकें, ये ना हो कि आप लोग चार साल बाद दुनिया की असल तदाद से आगे निकल जाए। उसके बाद रवस लगा, हजरात जरा गौर से सुनिए, 2001 में ये आ गए 8 करोड़ पे और 200 साल बाद, 2 साल बाद इन्होंने खरीदने का ऐलान किया, यानी कि मसूर आ गया। 2003 में बिना कहा मतलब मसूर आया, इसने कहा कि ये वो तादाद होगी 8 लाख, 8 करोड़ से 8 लाख, और 8 लाख के बाद 1 साल के बाद तादाद आ गई 2 लाख पर। तो यार आपको तो मिर्जा दोस्तों से निकल मसूर का जूते मारने चाहिए थे कि यार कहाँ 8 करोड़ और कहाँ पे 2 लाख। मुझे यहाँ पे एक शेख का लतीफा याद आया कि वो शेख बैठक था, बैठक में उससे दोस्त भी बैठे थे, तो सरदार का जो बेटा वो आया तो सरदार ने अपने बेटे से कहा, चला आए राशा ने अट्ठू पंजा के लिए होंगे और जो कहते अट्ठू पंजा चुकाली। सरदार ने 1000 रुपया निकाला और अपने बेटे को 1000 रुपया दिया और क्या दिल खुश कर दो करिए अट्ठू पंजा चुकाली 1000 रुपया दिया और चला गया। वो दोस्तों ने कहा सरदार भी अट्ठू पंजा चाली होता है उसी को 1000 रुपया देता है और ये क्या बड़ा फर्क पै गया कि माई बाप ने 48 घंटा होगा उधर बड़ा फर्क पड़ेगा। 8 करोड़ से 2 लाख पे आए हो और आहिस्ता आहिस्ता 1000 रुपये आ गए हो, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो? ये आपने सिर्फ इसलिए किया कि आपकी वजह से कहा से धरती हुकूमत की वजह से थी, अल्लाहुद्दीन की वजह से, आप दोस्तों की वजह से बेशुमार कादियानी वापस आ गए। और हकीकत बात यह है कि आप जरा इनको देखें कि इसी को मैंने आपने ये वीडियो कॉल सुनाई है, जो इसके अखबार सुनाए हैं, इसमें आपने हुआ क्या कि इसमें